1915 में आज एक दिन डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों का जन्म हुआ था। ढिल्लों भारत के पांचवें लोकसभा अध्यक्ष थे। इन्हें जीएस ढिल्लों के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदयाल बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्हें कानून से लेकर पत्रकारिता, शिक्षा और खेलकूद से लेकर संवैधानिक अध्ययन में रुचि थी। सिद्धांतों से समझौता करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके लिए संसद लोकतंत्र का मंदिर था और इसलिए सभा और इसकी परंपराओं और परिपाटियों के प्रति उनके मन में अत्यधिक सम्मान था। उनमें सभा की मनोस्थिति को पल भर में भांपने की अद्भुत क्षमता थी और उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक हुआ करता था। अंतर संसदीय संघ की अंतर संसदीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में ढिल्लों का चुनाव न केवल उनके लिए बल्कि भारत की पूरी जनता और भारतीय संसद के लिए भी बहुत सम्मान की बात थी। लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने 1947 में एक पंजाबी दैनिक वर्तमान भी शुरू किया और उसका संपादन भी किया। 1925 में आज ही के दिन प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का निधन हुआ था। बैनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की, जो प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक था, और बाद में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बन गए। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। देश के लिए कानून बनाने और देश के प्रशासन में अधिक हिस्सा दिए जाने की मांगों के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 50 वर्षों से भी अधिक समय तक संघर्ष किया। उन मांगों की पूर्ति से देशवासी संतुष्ट नहीं थे। वे अब स्वाधीनता की मांग कर रहे थे, जो सुरेंद्रनाथ की कल्पना से परे थी। मुखर्जी आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माताओं में से एक थे, जिसकी स्वाधीन भारत एक देन है। 1945 में आज एक दिन अमेरिकी हवाई जहाजों ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम बरसाए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन का कहना था कि हिरोशिमा पर गिराया गया बम अब तक के बम से 2000 गुना शक्तिशाली है। बम से हुए नुकसान का आज तक अनुमान नहीं लगाया जा सका है। बम को अमेरिकी जहाज P-29 से गिराया गया, जिसे इनोला गे नाम से भी जाना जाता है। हिरोशिमा पर गिराए गए बम ने दूसरे विश्व युद्ध का नक्शा ही बदल दिया था। बम गिराए जाने से पहले जापान को बिना शर्त हथियार डालने को कहा गया था। हिरोशिमा बम, जिसे लिटिल बम का नाम भी दिया गया था, कि गिराए जाने के बाद 13 वर्ग किलोमीटर का दायरा पूरी तरह से उजड़ गया था और शहर में मौजूद 60% भवन तबाह हो गए थे। शहर की 3.5 लाख आबादी में से 1,40,000 लोग मारे गए थे। बहुत से लोग बाद में विकिरण के कारण मौत का शिकार बने। 3 दिनों के बाद अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया, जिसमें 74,000 लोग मारे गए। 1961 में आज एक दिन यूरी गैगरिन के ऐतिहासिक उपक्रम के 4 महीने के बाद सोवियत संघ ने अपने दूसरे यात्री को अंतरिक्ष में उतारा था। 25 साल के मेजर टिट्योव ने अपने वोस्तोक 2 अंतरिक्ष विमान में पूरा दिन बिताया। वहां से भेजे गए संदेश में उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। रात में 7.5 घंटे की नींद लेने से पहले उन्होंने दिन और फिर रात में भोजन किया था। रूस के इस अभियान पर अमेरिका में कोई खास उत्साह नहीं देखा गया था और अमेरिका ने इसे महज रूस की एक अहम तकनीकी उपलब्धि का नाम दिया था। और आज एक दिन 1987 में अपने दल के अधिकांश लोगों के लिबरल पार्टी के साथ विलय के फैसले के बाद ब्रिटेन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता डेविड ओवेन ने पद से इस्तीफा दिया था। लिबरल पार्टी के नेता डेविड स्टील ने कहा कि वो इस विलय का स्वागत करते हैं और अब वो थैचरिज्म और सोशलिज्म के एक साझा विकल्प पेश कर सकेंगे। डेविड ओवेन ने 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर SDP का गठन किया था। वो पहले लेबर पार्टी के सदस्य थे, लेकिन रक्षा और यूरोप के साथ अन्य देशों के साथ संबंध को लेकर पार्टी से उनके मतभेद थे। शुरुआत से ही SDP और लिबरल पार्टियों ने मिलकर एक साथ काम किया था। 1992 के बाद से डेविड ओवेन ब्रिटेन के यूरोप मुद्रा क्षेत्र में शामिल होने के मामले पर काम करने लगे।